उसका टायर वेट होता है, उस वेट को देखने नहीं देते, उसके बाद गाड़ी भर जाती है, ग्रॉस वेट होता है उसको भी नहीं दिखाते। वो चालानों में हमारे ड्राइवर कहता है माल कम है, चालान ज्यादा के बने हुए तो कोई सुनवाई नहीं होती। अपने अगर 40 किलो के कागज कम के बन जाते तो गाड़ी अगर प्लांट में हो, रस्ते में हो, प्लांट से बाहर हो जाती है तो दोबारा चालान उसके बनाए जाते। यानी कि ये आपका कहना है कि वेटिंग के चक्कर में आपके ड्राइवर को लॉस जाता है। हमारे ड्राइवरों को लॉस जा रहा है। ड्राइवर कह रहे हैं फिलिंग शॉर्ट दे रही है, माल शॉर्ट दे रही है। जब खाली का कांटा करा रहे हो तो ड्राइवर को चेक करने दो, भरी का कांटा करा रहे हो तो ड्राइवर को दिखाओ, तभी ड्राइवर देखेगा मेरा नेट वेट सही है, चालान के साथ है या नहीं। यानी कि कॉमन भाषा में कहा जाए कि वेट पूरा होता है, माल अधूरा होता है। माल कम होता है, वेट ज्यादा होता है। पूरा चालानों के हिसाब से ड्राइवर माल नहीं ले पाता है, ड्राइवर का माल शॉर्ट आता है। वो हम मुनीम से कहता है, मुनीम या अधिकारियों से कहता है, अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करता, चाहे वो एसएनडी अधिकारी। कब से चल रहा है, कब से ये शॉर्ट जो माल शॉर्ट का मामला है, ये कब से शिकायत आ रही है? एक साल से चल रहा है, किसी में 100-150 किलो 250 किलो किसी में कम आ रहा है। मतलब जो है चालान बन जाते हैं फिर दोबारा चालान नहीं बनेंगे, और चालान कम के बने हुए हैं, चाहे वो 40 किलो कम के चालान बने हुए हैं। तो अधिकारी मुनीम के द्वारा गाड़ी अगर आउट भी हो गई प्लांट से तो उसको गाड़ी को रास्ते में कहीं भी पहुंच जाए या प्लांट पर पहुंच जाए वहां से भी चालान मंगवा के दोबारा 40 किलो के कागज बढ़ा के बना के देते हैं। मगर हमारे 150 किलो के कागज ज्यादा के बनने पे माल कम है तो कोई भी सुनवाई नहीं। ऐसा क्यों होता है? टेक्निकल कमी की वजह से हो रहा है या इनकी मनमानी की वजह से हो रहा है? इनकी बेस सेट नहीं है, इनकी बेस सेट नहीं है, इनकी मनमानी की वजह से। अगर हमारी खाली गाड़ी का कांटा हो रहा है, ट्रांसपोर्ट की किसी भी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है तो उसका टायर वेट ड्राइवर को दिखाया जाए, उसके बाद गाड़ी के हिसाब से सही है, उसे नहीं दिखा, उसको ये नहीं दिखा देखने देते किसी को भी।